गोपाल मीणा कांग्रेस पार्टी कांग्रेस पार्टी। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने बढ़ चढ़ करके 200 मीटर के सापे के द्वारा अपने लाडले विधायक साहब का स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। बहुत अच्छा, बहुत ही खुशी का पल आज का जो कार्यक्रम आपके द्वारा एक बहुत ही रोमांटिक और सजाया गया प्रोग्राम बहुत अच्छा लग रहा है। तो सभी के द्वारा दिल से अपने लाडले विधायक साहब का सापा पहनाकर स्वागत किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को जो आप लोगों ने सभी ने अपना हिस्सा लिया स्वागत की कड़ी में और साहब का 200 मीटर सापे के द्वारा स्वागत किया जा रहा है। और साहब से मैं निवेदन करता हूँ कि थोड़ा स्पीड बढ़ाइए साहब क्योंकि 200 मीटर बहुत लंबा है। और हाँ देख रहा हूँ कहीं कर रहे थे येलो जी 200 मीटर में 600 फीट से भी ज्यादा अभी तो हाईवे पे है सर। ग्राम पंचायत देवीतला के समस्त ग्रामवासियों और जनप्रतिनिधि वार्ड पंचों और ग्राम पंचायत देवीतला के मुखिया श्रीमान रामनारायण जी सरपंच साहब, आपने एक इतनी बड़ी बहुत ही लंबी सोच के साथ जो लंबा सापा 200 मीटर जो 600 फीट से प्लस है उनके द्वारा अपने विधायक साहब का सापा पहनाकर स्वागत और अभिनंदन किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र सर हमारी तरफ से आप, और हमेशा आप यूं ही इससे भी ज्यादा सापा बांधते हुए स्वागत की कड़ी को बढ़ाते रहिए सर। और देखिए बात ऐसी नहीं है, साहब ने कोई स्पेशल जगह चिन्हित करके नहीं, सामूहिकता में जमवारामगढ़ क्षेत्र को सभी ग्राम पंचायतों को समान दृष्टिकोण एंगल से देखते हुए जहाँ जहाँ कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई भी असुविधा या कोई भी समस्या या अनिवार्यता है उसे साहब ने पूरा करने का प्रयास किया है। ऐसा नहीं है कि कोई भी ग्राम पंचायत ऐसा छूट गया हो, तो मेरे हिसाब से मेरी जानकारी में कोई भी ग्राम पंचायत ऐसा अविकासशील नहीं है जहाँ पे विकास ना हुआ हो और कोई ऐसी समस्या सामने नहीं है जो बहुत ही मतलब आवश्यक है। तो बहुत बहुत पुनः देवीतला ग्राम पंचायत वासियों को कि आपके द्वारा अपने लाडले विधायक साहब का 200 मीटर साफा पहनाकर स्वागत किया जा रहा है। जी और बस नहीं लगा कोई बात सर, बस देखना को मिले साहब तुम्हारे अभी तक तो लगभग 30 से 40 बच रहा है और ऐसे ही बचता रहे। और सभी से मैं उम्मीद और अपेक्षा रखता हूं कि आने वाला चुनावी दौर ये सत्र चल रहा है 2023 जो दिसंबर में चुनाव होने जा रहा है वैसे ही अपने बीच में एमएलए साहब विधायक साहब अपने लाडले जनप्रतिनिधि जम्मू रामगढ़ के नेता हमेशा अपने हाथों द्वारा ऐसे ही स्वागत करवाते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब आगे की स्वागत की कड़ी में एक मिनट देखिए, सबसे पहले तो ये छोटी वाली माला सरपंच साहब आप सभी के द्वारा छोटी वाली माला बोले फिर बड़ी वाली का एक सामूहिक होगा बाद में सरबंदा वैसे ले लो फिर पट्टी का लास्ट में सामूहिकता होगा। अब स्वागत की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अपने बीच में जमवारामगढ़ प्रधान स्वागत की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अपने बीच में जमवारामगढ़ प्रधान रामपुल जी गुजर साहब उनके स्वागत के लिए अपने जमवारामगढ़ प्रधान रामपुल जी गुजर के स्वागत के लिए समस्त ग्राम पंचायतों के सरपंचगण आप सभी से मेरा निवेदन है कि अपने प्रधान जमवारामगढ़ रामपुल जी गुजर के स्वागत के लिए समस्त ग्राम पंचायत सरपंचगण मेहंदी से सरपंच साहब मैंने आपसे निवेदन पहले भी किया था आप मंच पे आइए और अपने बीच में जमवारामगढ़ प्रधान रामपुल जी गुजर साहब का सभी ग्राम पंचायतों के सरपंचगणों से मेरा निवेदन है कि आप माला और सापा पहनाकर अपने